सभी का स्वागत है अडोरेबल हॉर्स ब्रीडिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम टेनेसी वॉकिंग हॉर्स पर टेनेसी वॉकिंग हॉर्स के मूव के साथ वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि सिंगल फुट गेट के समान सिल्क रनिंग वॉक एक लोकप्रिय नस्ल है जो कई सवारों द्वारा स्थिर गति के लिए वांछित है। टेनेसी वॉकिंग हॉर्स, जिसे वॉकर भी कहा जाता है, एक प्रकार का गेटेड घोड़ा है जो 19वीं शताब्दी के अंत में टेनेसी में उत्पन्न हुआ था, जो कोमल चार बैड गेट के लिए पैदा हुआ था। ट्रेल राइडिंग के अलावा घोड़े के शो में प्रतिस्पर्धा के अलावा उनके अद्वितीय गेट, सुरुचिपूर्ण बिस्तर और समझदार स्वभाव के साथ इस नस्ल की अपील के बारे में कोई सवाल नहीं है। टेनेसी वॉकिंग हॉर्स दांतों की बड़ी आंखों और छोटे खड़े कानों के बिना एक अच्छी तरह से पीछा किया हुआ सिर है। गर्दन लंबी है और एक साफ पतले गले के साथ परिष्कृत घोड़े के पास एक समान के साथ एक लंबा झुका हुआ कंधा होता है। सहयोगी लंबी झुकी हुई कूल्हा शीर्ष रेखा सदिश मध्य रेखा के संबंध में छोटी होती है, जिससे लंबे समय तक अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। जब गेटिंग शरीर लंबे साफ पैरों के साथ पर्याप्त होता है, ये हिंज पैरों के लिए थोड़ा गाय हॉग या सील हॉग होने के लिए स्वीकार्य है। एक राष्ट्रीय है प्रत्येक वर्ष टेनेसी वॉकर के लिए उत्सव। टेनेसी वॉकिंग हॉर्स को फोरहैंड के वजन के साथ बाहर खड़ा करने के लिए बनाया जाता है और उनके शांत स्वभाव की चिकनी सवारी और तेज साहचर्य के साथ पैरों को फैलाया जाता है। टेनेसी वॉकर चुपचाप एक पसंदीदा बन रहा है जब से यह पहली बार सामने आया था। कुछ साल पहले घर की नीलामी लंबी गर्दन और झुकी हुई और अच्छी शारीरिक संरचना के साथ लंबी होती है कि एक चिकना अनोखा गेट छोटा होता है। वे खेतों में हल्के काम के लिए, आनंद की सवारी के लिए लोकप्रिय होते हैं। चलने की सबसे ज्यादा आबादी और वर्तमान में मलबे का घोड़ा है। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में वे उत्तरी अमेरिका में विशेष रूप से परीक्षण और खुशी की सवारी के लिए अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। जी शारीरिक धीरज और नस्लों के सामान्य स्वभाव के कारण 1935 में टेनेसी वॉकिंग हॉर्स ब्रीडर्स एंड एग्जीबिटर्स एसोसिएशन का गठन किया गया था, क्योंकि वॉकिंग हॉर्स की बहुमुखी प्रतिभा के साथ साथ नस्ल के भीतर एक दूसरी नस्ल एसोसिएशन को 1971 में मान्यता दी गई थी। घोड़ों के इस समूह के रैकिंग हॉर्स ब्रीडर्स एसोसिएशन के सदस्यों को आमतौर पर एक रैकिंग घोड़ों के रूप में संदर्भित किया जाता है और सूचनाओं को चालू करते हैं ताकि आप घोड़े के गधे के प्रजनन के आश्चर्यजनक तथ्य वीडियो न देखें। मेजबान गधा प्रजनन के पिछले की जांच करें और मैं इसमें देखूंगा। अगला वीडियो ध्यान रखना।